Hello dear, this is Castle Campus and welcome to Castle Campus. वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई की कट ऑफ के बारे में। जो भी आरआरबी जेई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी 2 जून तक होने हैं, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस मैंने किया है बाई आस्किंग स्टूडेंट्स और बाई सीइंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तो मैंने एक एनालिसिस यही निकाला है कि अगर आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा हैं, आ रहे हैं रॉ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आप CVT 2 की तैयारी में लग जाओ, आपका CVT 1 होना है। क्योंकि एक दो जोन को छोड़ दिया जाए, जैसे RRB चंडीगढ़ हो गया, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो इसमें 5 मार्क्स बढ़ा सकते हैं आप, 55 ले सकते हैं। लेकिन और सारी जोन्स में 50 प्लस अगर आपके स्कोर हैं तो आप CVT 1 क्वालिफाइड हैं। बिकॉज अभी आपने देखा होगा, जो अभी टेक्नीसियन और ALP के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही कट ऑफ मार्क्स था। OBC का 30, जनरल का 40, मैक्सिमम जो RRBs थे उसका वही था। तो एक एनालिसिस निकल के ये आया है बाई आस्किंग स्टूडेंट्स एंड बाई सीइंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइड हो, अगर 50 से कम आ रहे हैं किसी स्टूडेंट्स के, तो उनका अगर लक सही होगा तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे 45, 40 आ रहे हैं, तो अगर उनका शिफ्ट टफ है तो नॉर्मलाइजेशन में उनका भी 25 से 30 मार्क्स बढ़ सकता है, जो टफ शिफ्ट होगा मे बी, तो उनका भी 65, 75 और 70 इसके आसपास हो सकता है, तो भी क्वालिफाइंग कर जाएंगे। लेकिन टफ शिफ्ट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो अगर हम देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बाद बोलते हैं कि मैंने 85 किया है, 88 किया है, 90 किया है, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि हर स्टूडेंट का 100% जो एक्यूरेसी है वो नहीं हो पाता, कितना भी तैयारी करने के बाद भी लगभग 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो आप मान के चलें कि जो एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के, वो 50 से 60 के बीच में ज़्यादा स्टूडेंट्स के लाई करेंगे, 60 प्लस बहुत कम ही स्टूडेंट्स के होंगे। और जो 85, 86 कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो उनका अगर एक्यूरेसी लेवल ठीक भी होगा तो भी उनका मार्क्स 70, 72 के आसपास आएगा, क्योंकि उन किसी चैनल के यूट्यूब वीडियोस देखने से उनको मिल रहा है कि 6 क्वेश्चन गलत हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन अभी और ओवरऑल मिलाने के बाद उनके 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, किसी के 20 भी गलत हो जाएंगे, तो लगभग उनका भी 60 के आसपास मार्क्स आएगा, और ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन हाँ, एक दो स्टूडेंट्स को अगर छोड़ दें हम, तो जो एवरेज मार्क्स रहने वाले हैं 60 ही रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी तरफ, जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मेरा शिफ्ट बहुत टफ था, ये था वो था, तो वैसा नहीं है। सारा शिफ्ट लगभग अभी तक जो हुआ है उसमें सेम ही हुआ है, थोड़ा सा का अंतर पड़ रहा है कि क्वेश्चंस किसी में फिजिक्स के ज़्यादा हो जा रहे हैं, किसी में केमिस्ट्री के ज़्यादा हो जा रहे हैं, इन जनरल साइंस, और ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ बात ये भी है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनको पेपर टफ लगता है जनरली, और जो नहीं पढ़ के जाते हैं उनको ईजी लगता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि मैंने इतना कम पढ़ के इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया, अगर पढ़ लिया होता तो पता नहीं क्या उखाड़ देते, तो उसी लिए बाहर निकल के बोलते हैं कि आज पेपर बहुत ईजी था। तो उनको सुन के और देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उनको लगेगा ईजी, उनको बहुत तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, 15 दिन ही पढ़ा था, 10 दिन भी पढ़ा था, 2 महीने से तैयारी करता तो क्या उखाड़ लेता। तो जो स्टूडेंट्स रियल में तैयारी कर गए होंगे, क्योंकि तो उनको पता है कि क्वेश्चंस मॉडरेट आ रहे हैं एज पर द टाइम लिमिटेशन, टाइम भी देखना है और स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि 75 से अबव मार्क्स स्कोर एक स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट। तो ज़्यादा वरी होने का बात नहीं है, मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 50 प्लस मैक्सिमम जोन्स के लिए, और एक दो जोन्स जैसे कि RRB चंडीगढ़ हो गई, अजमेर हो गई, तो उसका 55 के आसपास आ सकता है, ये जनरल का है।
और ओ बी सी एस सी एस टी के आसपास ही नीचे इसे लगा लें जितना सोच सकते हैं, लेकिन 50 प्लस एक सेफ स्कोर माना जाएगा और चंडीगढ़ डोगरा के लिए 55 प्लस एक सेफ स्कोर माना जाएगा, बिकॉज 2 लाख बंदों को सिलेक्ट करना है। अभी ऐसा नहीं है 15 गुना सिलेक्ट करना है, और जो अपीयर हो रहे हैं बंदे वो लगभग 18 लाख के आसपास अपीयर हो रहे हैं 25 लाख में से, और सारे एबसेंट रह रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको कट ऑफ इससे ज़्यादा लगे या कम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ। यू आर वेलकम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर सीइंग द होल वीडियो। ओके, थैंक यू टू ऑल।